देश की आजादी की वर्षगांठ यानी 15 अगस्त से एक दिन पहले पचेरी से बोहाना तक देशभक्ति का अनोखा रंग देखने को मिला। सड़कों पर बड़ी संख्या में युवा तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए और सड़कों पर आजादी की यादें ताजा करने निकल पड़े। सभी में देशभक्ति का जज्बा अलग ही नजर आ रहा था। इस दौरान बाइकों पर सवार युवाओं ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, शहीद अमर रहे के नारे लगाते हुए इलाके को गुंजयमान कर दिया। इस यात्रा का नेतृत्व भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत और विकास भालोठिया ने किया। यात्रा पचेरी के स्वतंत्रता सेनानी पंडित तारकेश्वर शर्मा के स्मारक स्थल से रवाना हुई। बोहाना पंचायत समिति शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन कर समापन हुई। तिरंगा बाइक रैली में भारत माता की जय हो के उद्घोष ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया। बड़ी संख्या में बाइक इस तिरंगा बाइक रैली में शामिल थी। एक तिरंगा बाइक पर बंधा हुआ था और दूसरा तिरंगा बाइक पर पीछे बैठे युवा के हाथ में था। अचानक से आवाज गूंजती थी, भारत माता की जय हो, और फिर उसके जवाब में भी होता था, भारत माता की जय हो का उद्घोष। इस तिरंगा बाइक रैली में शामिल युवाओं का जोश देखने वाला था। खाकी वर्दी धारी पुलिसकर्मी भी शामिल थे। तिरंगा यात्रा में पूर्व उप प्रधान राजपाल सिंह तंवर, कृष्ण यादव खांडवा, बोहाना सरपंच दशरथ सिंह, संजय यादव लामवी अहीर, सतवी यादव सांतौर, सुमित सरपंच समेत काफी संख्या में भाजपा नेता व आम जन मौजूद रहे। आजादी के महोत्सव वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक मंशा है, राष्ट्र की आन बान शान का तिरंगा गगन में फहराता रहे, झंडा ऊंचा रहे, हमारा विजय विश्व तिरंगा फहरा। इसी भाव में आप देख रहे हैं देशभक्ति का ज्वार उमर पड़ा है। हमारे युवा बाइकर्स हाथों में झंडे लेकर जय घोष करते हुए भारत माता की आप बहुबुद्धि बढ़ाने के लिए, राष्ट्र में भारत का नाम ऊंचा करने के लिए और तिरंगे को गगन में फहराने के लिए आतुर हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी शानदार, मैं समझती हूँ कि झुंझुनू जिले की सबसे बड़ी बाइकर रैली ये होगी। कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार और भारत माता की जय।